खरीफ वितरण मौसम 2021-22 के अंतर्गत धान अधिन प्राप्ति का शुभ आरंभ वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव एवं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख द्वारा किया गया। इस मौके पर बादल पत्रलेख ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में यह सरकार बेहद उम्दा काम कर रही है, साथ ही कोऑपरेटिव सोसाइटी को मजबूत करने में हम कई तौर तरीके अपना रहे हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी मजबूत होगी तभी कृषि और किसान भी मजबूत होगा, देश तरक्की करेगा। साथ ही वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग केंद्र सरकार ने लोगों को और किसानों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही थी, लेकिन आखिर किसानों के हिम्मत और जज्बे के सामने झुकना ही पड़ा। इनका यह MSP हटाने का ये पैंतरा था, लेकिन किसान इनकी सारी चालबाजी समझते हैं। आइए सुनते हैं वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने क्या कुछ कहा। सरकार की गारंटी है, सरकार की गारंटी के आधार पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मोबाइल बैंक ऑफ इंडिया ने मोबाइल 1522 करोड़ कर्ज दिया है। हमारा परफॉर्मेंस देख करके, विभाग का परफॉर्मेंस देख करके सरकार ने इसकी गारंटी दी बैंकों को, तो 1522 करोड़ और अपना 500 करोड़ रिवॉल्विंग फंड पहले से, तो हमारे पास 2022 करोड़ रुपये अब इसी के अंदर में धान की खरीदी होगी। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसा देने में। हाँ, पैसा देने में कभी देरी होती है, सर्वर काम नहीं करता है, तरह तरह का प्रॉब्लम होता है, लेकिन 3 महीने के अंदर ये प्रॉब्लम को ख़त्म कर देंगे और 3 महीने के अंदर पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। ये किसानों को आश्वस्त होना होगा, हम करना चाहते हैं ये। और बाकी हमारे कृषि मंत्री हैं, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट इनके साथ हैं, इसको हम लोग मजबूत और करेंगे, हम लोग दोनों मिलकर करेंगे। हम जितना भी उनका कमीशन होता है देना शुरू कर दे, पिछली सरकार ने नहीं दिया था, ये जानिए। बड़ी बड़ी बात करते हैं, हम अपने समय का दे रहे हैं 2 साल का, अब पिछले का देना शुरू करेंगे। फिर इसके बाद उनको बताइएगा कि बस बोल तो रहे हैं बड़ी बड़ी बात, लेकिन आपके कमीशन दिए हैं पैक्स को और लैब्स को? नहीं दिए हैं, हम देना शुरू कर रहे हैं। अपने समय का दे दिए, अब पिछले समय का भी देंगे, ताकि उनका हक है, वो अधिकार है, वो दे। तो ये है, और इस बार बढ़ा हुआ है, 8 लाख मीट्रिक टन हम लोग ले रहे हैं, पिछले 6 लाख लिए थे, या 6 मीट्रिक टन लिए थे, इस बार 8 ले रहे हैं, 2 लाख मीट्रिक टन बढ़ा दिए हैं। तो इस तरह से हम किसानों को, अधिक से अधिक किसानों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। एक सावधानी के लिए हम कहना चाहते हैं किसानों को कि देखिए किसान भाइयों और कृषि में लगी हुई बहनें, आपके नाम पर पिछले बार कुछ व्यवसायी फ़ायदा उठा, लेकिन इस बार उनको रोक रहे हैं। रोक ऐसे रहे हैं कि पहले छूट थी, इतना भी धान देंगे हम लेंगे, लेकिन हम शुरू में 200 क्विंटल तक ही धान लेंगे। अगर हाँ, एक किसान से, रजिस्टर्ड किसान से अगर कोई किसान आता है, वो कहता है कि नहीं हमको 400 क्विंटल होता है, 500 क्विंटल होता है, तो सत्यापन के पश्चात ज़मीन उसके पास है कि नहीं, अगर ये होता है कि उनके पास ज़मीन है और इतना पैदा करते हैं और इतना सरप्लस होता है, तो हमने हमारे कर्मियों के, लैंड बैंक के साथियों के और खाद आपूर्ति विभाग के पदाधिकारियों के तत्परता को देखते हुए 2400 जिला का धान अधिप्राप्ति का मॉनिटरिंग पूरा रामेश्वर बाबू ने अपने ही खाद निगम को दिया है, जो अच्छी बात है। इस बार 80 लाख क्विंटल के हमने लक्ष्य रखा है। हम शुरू से कह रहे थे कि आंकड़ा सर सैकड़ा का पार कीजिए, क्योंकि इस बार धान की उपज बंपर है, मानसून जम के बरसा है, इस बार समय पर बारिश हुई है और धान की पैदावार भी काफी बहुतायत में हुई है। तो इन्होंने कहा लक्ष्य को 80 रखते हैं, जरूरत पड़ी तो सारे चीज इस बार हमारे कंट्रोल में है, हम लक्ष्य को बढ़ाने में झुकेंगे नहीं। मतलब किसान के धान यदि उस समय पर लेना हो तो हम 60 लाख क्विंटल से 80 लाख क्विंटल गए, 80 लाख क्विंटल से 100 लाख क्विंटल तक भी हम जा सकते हैं। अपने ही आंकड़ों में तो हम 2.5 गुना वृद्धि कर चुके हैं, लेकिन जब हम बगल के राज्यों को देखते हैं तो अभी भी माइल्स टू गो। छत्तीसगढ़ को देखते हैं, दूसरे जगह को देखते हैं कि वहां उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का इजाद किया,
हमारे साथ ही वह राज अलग हुआ, लेकिन आज इस मायने में वो पूरे देश में लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। हमने वहां जाके देखा सारी चीजें, आदरणीय रामेश्वर बाबू को आके सुनाया, अपने विभाग में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को सुनाया, और हमारे विभागीय रजिस्ट्रार साहब ने, हमारे सेक्रेटरी अबू बकर सिद्दीक जी ने इस पर काम भी करना शुरू किया। 2000 यार्ड बनाने का हमने प्रस्ताव दिया है ताकि किसानों को और सहजता सरलता से, अभी बनवाल साहब बोल रहे थे कि हम 500 बनवाल साहब जतेंद्र प्रसाद जी, प्रभात कुमार जी, सतीश चौधरी जी, पीएसओ बिलुन जी, कृपिता जी जो लंच के अध्यक्ष हैं, मेरे साथी कांग्रेस के नेता आलोक दुबे जी, किशोरनाथ सहदेव जी, डॉक्टर राजेश गुप्ता जी, एमपी सेठ साहब के प्रतिनिधि, राजेश जी नहीं है, उनको बुलाया गया था लेकिन जरूरी काम से बाहर चले गए हैं, उनके प्रतिनिधि, मीडिया के साथियों, अतिथिगण, भाइयों, अभी हम सब सुन रहे थे बादल जी का गर्जन। इंद्रदेव की विशेष कृपा झारखंड के किसानों को, दोनों साल इतनी अच्छी वर्षा हुई और इतनी अच्छी फसल हुई कि सभी किसान और सरकार भी उत्साहित हम लोग हैं। साथियों, जहां तक हमारी पार्टी कांग्रेस का सवाल है, शुरू से ही किसानों के साथ रही है, महात्मा गांधी से लेकर के आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी के समय में भी हम किसानों के साथ हैं। आपने देखा कि केंद्र की सरकार ने किस तरह से 3 कानून बनाए जो किसानों के लिए अहितकर था। हमारी पार्टी खड़ी हो गई राहुल जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में, झारखंड में भी बादल जी विशेषकर रुचि लिए, किसानों के साथ जगह जगह कि काले कानूनों को विरोध करने में, ट्रैक्टर जुलूस निकाले, गुड्डा सहयोग और फिर हजारीबाग कोरोना में लॉकडाउन फिर हो गया। ऐसी तमाम खबरों के लिए अब देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए जनता के साथ।